जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कई सारे स्टूडेंट और कैंडिडेट्स ने एक सवाल किया हुआ है कि एक IAS ऑफिसर की शादी हो जाने के बाद, चाहे वह मेल हो चाहे वह फीमेल हो, क्या उनके पावर में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, उनके पावर्स कुछ बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगी कि एक IAS ऑफिसर को जो पावर दी जाती है वो मेल या फीमेल देख करके नहीं दी जाती है। वो IAS ऑफिसर हैं और क्या काम करेंगे इसको देख करके उनको पावर्स दी जाती हैं। इसके साथ ही आप अपने पर्सनल लाइफ में, मतलब एक IAS ऑफिसर अपने पर्सनल लाइफ में क्या और कैसे कर रहे हैं, इसका उनके मतलब प्रोफेशनल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं होता है। वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके पावर्स में कोई ना तो बढ़ोतरी होती है ना ही कोई घटने वाला सिस्टम होता है। उनको जो काम दिया गया है वो काम सही से होना चाहिए और उस काम को सही से करने के लिए जो पावर्स दी गई हैं उसकी अपनी वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि आप सभी के मन से जिन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ था उनका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।